अनम आपकी ना आज अम्मा और अब्बा के साथ जहेज कंपनी गई थी और 5 लाख का जहेज किस्तों पर ले आई। भाई मैं मर गई, आपका जरा ख्याल नहीं। जी दोस्तों, ये क्लिप्स आपने देखें, अनम को देखें किस तरह से, आप जानते हैं कि उसको दिखाया गया थोड़ी सेल्फिश है, अपनी मर्ज़ी करती है, तो बड़े मज़े से वो ये करके आई है कि अपने पेरेंट्स के साथ जाके 5 लाख की मतलब कुछ चीज़ें वगैरह जैसे कि जहेज के पैकेज वगैरह बने होते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, वो करके ले आई है। यानी कि ड्रामे में दिखाने का मकसद ये है कि जो अनम है उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी होती है, कभी वो पेरेंट्स की तरफ नहीं देखती। बड़ी मुश्किल से उसके डैड ने, उसके पापा ने 2 लाख का बंदोबस्त किया था कमेटी वगैरह डाल के, क्योंकि उसकी शादी होने जा रही है। दोस्तों जो अब इतनी केयरलेस है, शादी के बाद क्या करेगी? आप समझते हैं ना दोस्तों कि ये जो ड्रामा है ना आगे चल के भी कुछ ट्विस्ट इसी तरह ही दिखाएगा, मगर अभी ये भी सीन देखें। दोस्तों ये अनम की चच्ची हैं जो कि सूद खाती हैं, लेकिन कहती नहीं 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 सूद नहीं कहना, प्रॉफिट है ये प्रॉफिट। तो बस ये इसी किस्म की हरकतें करती हैं और अब ये सोच रही हैं कि अनम के अम्मी अबू जो कि उनसे बात नहीं करते, वो यही कहते हैं कि आप सूद लेती हैं इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि भाई अब उनकी बेटी की शादी है तो फिर हमें करना चाहिए ये कि हम उनको ये कहते हैं कि भाई मुझसे थोड़े बहुत पैसे लो, पैसों की कुंडी डालती हूँ मैं उनको। कुंडी डालने का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे मछली को पकड़ने के लिए कुंडी डाली जाती है, वो ही कह रही हैं। तो कह रही हैं कि कुंडी डालते हैं पैसों की तो ये लोग मेरे काबू में आ जाएंगे। तो दोस्तों अनम को भी एहसास होना चाहिए कि वो क्या कर रही है। अब ड्रामा जो है ना बड़े मज़े के ट्विस्ट लेने वाला है। आपका क्या ख्याल है ज़रूर बताना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताना, मगर फॉलो करना ना भूलना दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।